नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी केवलारी से। दहेज के दानों ने ली एक और जान, नवविवाहित की आग से झुलसने पर संदिग्ध मौत। मायके पक्ष ने लगाया ससुराल पक्ष पर दहेज के खातिर हत्या का आरोप। उगली थाना क्षेत्र के जीवनारा गांव का मामला। समाज के लिए नासूर बन चुकी दहेज प्रथा ने मानव को दानव बना दिया। दहेज के इन्हीं दानवों ने अपने लोभ के चलते एक और जान ले ली। दहेज के खातिर जलाकर मार देने का सनसनीखेज मामला केवलारी तहसील के उगली थाना अंतर्गत ग्राम जीवनारा में सामने आया, जहां मंडला जिले के सेमारखापा गांव निवासी नवविवाहित गायत्री का विवाह 4 माह पूर्व ही जीवनारा निवासी महेश नागेश्वर के साथ पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। विवाहिता ने अपने वैवाहिक जीवन के कई सपने संजोए थे, लेकिन 4 माह के अंदर ही दीपावली के ठीक एक दिन पहले उसके सारे सपने उसके साथ जलकर खाक हो गए। गायत्री दीपावली के एक दिन पहले अपने ससुराल में आग में बुरी तरह झुलस गई। लगभग 90% जल चुकी नवविवाहिता को 108 एम्बुलेंस की मदद से बालाघाट जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे तत्काल नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर में इलाज के दौरान 29 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतिका के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। उसकी माँ और भाइयों ने पति और सास पर दहेज के खातिर जलाकर मार डालने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए मृतिका के परिजनों ने क्या कहा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी केवलारी से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। लड़की को दहेज के मारे बार बार पहुंचाते थे, पैसा नहीं देते, मांग कर रहे थे, धमकी दे रहे थे मारने की, फिर गाड़ी का मांग कर रहे थे, दे नहीं पाई, उसकी धमकी के कारण ऐसा कर या उसे जला दिया गया था। देखने से सब समझ में आया है कि वो उसको जलाया गया है, क्योंकि जब वहाँ पे हम लोग जब उसके घर गए तो उस कमरे में देखे तो कमरे की हालत बहुत गंभीर थी और चिमनी से जलने वाला सिर्फ पैर में, जो वो लोग पहले बता रहे थे कि पैर में जली करके, पर वो तो पूरी 90% जली हुई थी। इसका मतलब जो जलाया गया था, वो बोल रहे थे कि चिमनी जलाए, पर चिमनी से नहीं जलाया था उनको, वहाँ पे मट्टी तेल की डबकी मिली थी। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं आपसे, विवाहिता की जो मौत हुई है उगली थाना अंतर्गत, उस मामले में क्या कार्रवाई है? ये 26 तारीख की घटना है। उगली थाना के जयनारा गांव में एक न्यूली मैरिड वुमेन जो है उस पर बर्निंग केसेस हुआ है, और चूंकि तुरंत ही 108 के द्वारा उसको बालाघाट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था और वहां से उसको नागपुर रेफर कर दिया गया। सूत्रों से पता चला है कि 29 तारीख को नागपुर